गाइस आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके और मेरे चैनल पे जिसका नाम है अश्मीरा ब्लॉग्स। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ। अपने आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, यानी कि बहुत पुराना ब्लॉग देखा होगा किंग फर्नीचर का। तो आज मैं वापस से किंग फर्नीचर की फैक्ट्री पर हाजिर हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पर क्यों हाजिर हूँ ये आपको वीडियो के पूरा एंड में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कमर्शियल प्लान में हम लोग काम करते हैं, मतलब किंग फर्नीचर काम करता है। लेकिन आज जो है स्पेशल ये है कि मरीन प्लाई और अल्टरनेट प्लाई, ये कौन सा प्लाई है, क्या प्लाई है, मुझे नहीं मालूम है। मैं कारपेंटर नहीं हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ। तो जो एक्चुअल इसका एक्सपर्ट है उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अल्टरनेट प्लाई होता क्या है, इसका प्राइस क्या है, कैसा बनता है। लेकिन हाँ, कि इसमें भूसे वाला कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वालिटी काम होता है, क्वालिटी के हिसाब से ही पैसा होता है। तो ही आप अगर क्वालिटी वर्क चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है अश्मीरा ब्लॉग्स में। तो इससे पहले भी अपन ने वीडियो बनाए थे, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, मैंने यहाँ का वीडियो भी बनाया। ये कोई एक नया फार्म आपका, मतलब नया प्लांट है, ये सेकेंड यूनिट है हमारा। या सेकेंड यूनिट है। तो आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या दिखा रहे हैं? ये आज संडे का दिन है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो वर्कर्स है वो छुट्टी पे रहते हैं। तो आज इसलिए मैंने, मतलब ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप वीडियोज भी बन सकता है यहाँ पर, और आपको हमारा जो काम है वो भी दिखा सकता हो। आज जो है एक स्पेशल चीज़ है जो कि अल्टरनेट और मरीन प्लाई रहता है, ठीक है? अच्छा। जो कि टफ प्लाई है। और सबसे पहले तीन किस्म के प्लाई होते हैं, तो कमर्शियल प्लाई होता है, ऑल्टरनेट होता है, मरीन प्लाई होता है, और एक भूसा प्लाई होता है। भूसा प्लाई में तो हम काम ही नहीं करते, जैसे आपको पहले वीडियो में भी बताया कि करेक्ट करेक्ट इंजीनियर जिसको बोलते हैं और जो रबराइज बोलते हैं, हाँ, अप्लाई बोलते हैं, उसमें हम काम ही नहीं करते। करेक्ट। तो यहाँ आपको सिर्फ क्वालिटी चीज़ें मिलेगी, क्वालिटी स्ट्रेंथ मिलेगा। जो वुड है आप देख सकते हो, अभी जैसे ये पर्टिकुलर वार्डरोब हमारा बन रहा है, ठीक है? अभी ये कस्टमर के कस्टमाइजेशन के हिसाब से था। अच्छा। ये कस्टमर के कस्टमाइजेशन के हिसाब से था, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनके घर में जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे इसको जो है ना, मतलब बहुत जोर से जो है डोर को ओपन करते। अच्छा। तो हमने इसको 24 mm कर दिया है। हाँ, यानी कि 18 mm था, आप देख सकते हो 24, वो भी कमर्शियल प्लाई के अंदर है। हाँ, कमर्शियल प्लाई। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मतलब मजबूती दी गई है कि पहले से 18 mm था, उसके बाद 2 mm यहाँ पे, 2 mm यहाँ पे, तो 24 mm का खाली इसका दरवाजे का स्ट्रेंथ दिया हुआ है। 24 mm वो भी कमर्शियल के अंदर, जो कि हम मैन्युफैक्चर है जैसे आपको पता है। हाँ। और ये प्राइस में पूरे मुंबई में कोई दे नहीं पाएगा, ठीक है? अगर देंगे भी तो फिर वो क्या डालेंगे पता नहीं। यहाँ आपका प्रोडक्ट बनते हुए देख सकते हैं। जैसे देखो, मैंने आपको ये बन रहा है यूनिट। हाँ, ये यूनिट तो बन रहा है वैसे। कल अगर आप आते तो कल आपको और 4 हमारे वार्डरोब से जो चले गए डिलीवर हो गया। आज संडे था, तो आज मोस्ट प्रोबेबली जैसे ऑफिस वाले रहते हैं, जो कस्टमर रहते हैं घर पे रहते हैं, तो डिलीवरी जो है उनको सैटरडे नाइट को मिल जाती है, क्योंकि संडे को वहाँ फिटिंग हो जाए। करेक्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है, अब देख रहे हैं इसका ये सब पार्ट्स है, ये जो असेंबल है। हाँ। ये कितना वजन है, ये मतलब ये तो एक हाथ में उठ भी नहीं रहा, इसको दोनों हाथ से उठाना पड़ेगा। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, देख सकते हो। हाँ। देखिए ये प्रेस हो रहा है यहाँ पर इसका। अच्छा। और भी यहाँ पे गम लगा के, मतलब फेविकोल लगा के प्रेस हो रहा है। तो जो भी यहाँ पर आप देखोगे एकदम ड्यूरेबल है, कस्टमर आ सकते हैं, आकर देख सकते हैं। यार इसकी क्या हाइट होगी, 7-8 इंच? हाँ, ये जो है 7 है। 7 इंच? 7 इंच। 7 ही दिख रहा है मेरे को, 7x7 ही दिख रहा है, कैमरे में तो आ नहीं रहा है। हाँ, 7x7 ही है। मस्त कस्टमाइजेशन है। तो गाइस देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 6, और यहाँ पर 2 ड्रॉ। यूजुअली ड्रॉ लोग राइट हैंड साइड पर रखते हैं, लेकिन ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट है शायद इसके लिए, तो यहाँ पर लेफ्ट पे रहे बन रहा है। इसके अंदर जो ये एडजस्टेबल है। हाँ, एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है, ये नीचे लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा, कस्टमर को ऐसा चाहिए। अच्छा। कि अगर उनको कुछ ज्यादा रखना है तो इसको निकाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अच्छा, ये कस्टमाइजेशन बेहतर है। और यहाँ पर नीचे शायद ड्रॉ है क्या? नहीं, ये ड्रॉ नहीं है, कस्टमर को ड्रॉ नहीं चाहिए था नीचे। अच्छा, ड्रॉ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। और इसमें क्या ये सनमाइका लगा हुआ है कि ये ऑल्टर सनमाइका लगा हुआ है? और यहाँ पे देखो गाइस, देखिए गाइस, यहाँ पर सनमाइका के बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए, और यहाँ पे भी कुछ बन रहा है। ये बंदा जरा बाहर गया है, यहाँ पर काम चल रहा है या ऑलरेडी?
तो ये इनका ये जो सेकंड यूनिट है, देखिए गाइस ये कैमरे में कितना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा यूनिट है। तो साजिद भाई ये क्या है? ये होटल्स के लिए हमने बनाए हैं, राइट? अच्छा वहाँ पे भी है, मतलब एक दो तीन चार, चारों सब जगह होटल्स का ही है? पूरा एक ही होटल का है। और ये जो है अभी तो ऐसे और 24 यूनिट थे जिसमें से हम लोगों ने वहाँ पर फिक्सिंग हो चुका है, अब ये कुछ यूनिट बचे है तो ये भी वहाँ पर जाके फिक्स होगा। अच्छा यहाँ पे बन चुका है, तो ये भी हो गया है। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है कारीगर लोग का, और यहाँ पे भी। अच्छा ये अंदर ड्रॉर, ये ड्रॉर है, ये जो है साइड टेबल है जो बेड के बाजू में आता है, ये साइड। हाँ 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 बेड के बाजू में आता है, करेक्ट करेक्ट। ये होटल्स का है, आप देख सकते हो, इसकी डिजाइन देख सकते हो, हम होटल के लिए भी बनाए। हाँ होटल होटल के लिए तो थोड़ा मजबूत होना ही चाहिए, और तो उसके हिसाब से दिख ही रहा है ये मजबूती है। कमर्शियल प्लाई के अंदर है, कुछ भी आपको जो है ना भूसा है रबर है। देखिए गाइस फिर से एक बार, ये 18 mm का प्लाई यहाँ पर दरवाजे पे दिया हुआ है, ये एक 18 mm का दरवाजे पे दिया हुआ है। यहाँ पे ड्रॉ है, आप ड्रॉ देख सकते हैं कितना बड़ा है, एक ही ड्रॉ है लेकिन बेहतरीन ड्रॉ है। तो साजिद भाई एक चीज बताइए कि जो हमारे व्यूवर्स इतनी देर से रुके हुए है वीडियो देखते हुए, प्राइस के बारे में क्या बताए? प्राइस जो है इसका 1049 है, 1049 कमर्शियल में। हाँ कमर्शियल के अंदर पर स्क्वायर फीट 1049 है। ये रेट में आपको पूरे मुंबई में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप आइए, आपका प्रोडक्ट बनते हुए देखिए। और विद डिलीवरी और विदाउट डिलीवरी? ये विद डिलीवरी होगा, 1049 में विद डिलीवरी, विद डिलीवरी होगा। रही बात अगर कमर्शियल और अल्टरनेट की, तो ये अल्टरनेट और मरीन 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 उसके लिए मैं आपको स्पेशली, आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए उसके लिए मैं आपको बता दूंगा क्या रहेगा। हाँ आएगा, कमर्शियल का तो मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया, वो भी आपको बेस्ट रेट में मिलेगा, पूरे मुंबई में कोई दे नहीं सकता है क्योंकि आप देख ही रहे हो। मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये सिर्फ मुंबई नवी मुंबई के लिए पूरा है या फिर ये ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा? और ये था जो डिलीवरी चार्जेस रहता है, मिनिमम जो है डिलीवरी चार्जेस रहता है खाली मुंबई के लिए, मुंबई के लिए फ्री है, और बाकी सब जो रहेगा वो मिनिमम जो डिलीवरी चार्जेस जो रहता है जो ट्रांसपोर्ट का। कस्टमर यहाँ पर आता है आपके पास मिलता है, तो आपके पास कुछ डिजाइन विजाइन अवेलेबल है, कुछ फोटो या फिर कैटलॉग वैटलॉग है? हमने बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनिंग किए, हमारे पास आर्किटेक्चर भी है, राइट, और हमारे पास कैटलॉग भी है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा मैकबुक लेके रखा है क्या? तो ये आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमने थाउजेंड्स ऑफ चेयर्स बनाए हैं, हमने थाउजेंड ऑफ वार्डरोब्स बनाए हैं। अच्छा तो जैसे कस्टमर को जैसे भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल चेयर्स है तो चेयर्स की हम आपको फोटो दिखा सकते हैं। ये आपने बनाया है? ये ऑलरेडी सब बनाया हुआ है, सब बना हुआ है चेयर। अच्छा ब्यूटीफुल चेयर, स्ट्रेंथ भी अच्छी है इसकी, स्ट्रांग डिजाइन भी एकदम ब्यूटीफुल डिजाइन, जिस तरह से चेयर चाहिए उस तरह से, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से मिलेगा, आप देख सकते हो डिजाइन। हाँ ये तो बॉस चेयर है, ये बॉस चेयर है। हाँ हर किस्म का जैसा भी चाहिए आपको, आप इंटरनेट पे भी अगर डिजाइन देख लोगे ना, उसके बाद भी आपको जैसा चाहिए आपको ये भी बॉस चेयर है ना, मिल जाएगा। बराबर बॉस चेयर है, ये बॉस चेयर है, ये बॉस चेयर है। ये हो गया चेयर। एल शेप सोफा चाहिए तो एल शेप सोफा का भी जो है, ये सब हमने बनाया है, और ये कस्टमर का डिलीवर हो चुका है ये सब। अच्छा देखिए, तो गाइज ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर रुकाना चाहूंगा। देखो ये कस्टमर का घर का फोटो है, तो यहाँ पर ये कस्टमर का है लेने ऑप्शन, कोई कस्टमर लेने का ऑप्शन देता है फोटो, कोई नहीं देता है, तो भाई ने लिया है। देखो ये जेन्युइन है जो कि कस्टमर का है, तो अभी देखिए ये एल शेप, यहाँ पर ये भी कस्टमर का है। देखिए यहाँ पर कोई तो खड़ा है, ये भी एल शेप है, यहाँ पर ये भी एल शेप, और ये गाइज देखिए छोटा है लेकिन बेहतरीन है। वार्डरोब दिखाइए, कोई वार्डरोब है क्या? ये जितनी भी लेडीज होती है ना, उनको सबसे ज्यादा पसंद वार्डरोब ही आता है। अब वार्डरोब देखोगे सब बेस्ट वार्डरोब, वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन और ड्यूरेबल, सब कमर्शियल प्लाई के अंदर, अल्टरनेट प्लाई के अंदर, मरीन प्लाई के अंदर। रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो क्या बोलते हैं आप ड्यूरेबिलिटी में? तो आपको मैं सीधा 25 इयर्स की वारंटी मिल जाएगी आपको इसमें। क्या 25 इयर्स की सीधा वारंटी आपको इसमें, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि हम जो मटेरियल यूज करें कमर्शियल प्लाई है, ना अच्छा है ना कुछ है, तो आपको उसमें जरा भी कस्टमर अगर जो लेकर जाएगा यहाँ से वो हमको याद करेगा। मरीन प्लाई जो है बेसिकली यूज होता है जहाँ पर ज्यादा पानी गिरता है। अच्छा इसीलिए उसका नाम मरीन है, या तो किचन के अंदर यूज होता है, जो किचन के अंदर मॉड्यूलर्स बनाते हैं हम लोग, मॉड्यूलर्स भी बनाते हैं, उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमारा मरीन प्लाई जाता है, ठीक है, पानी का ज्यादा काम होता है। तो गाइज जैसा कि भाई से आपने मैंने आपके सारे सवाल कर लिया हूँ कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, इसका पैसा कितना होगा,
हाइट है, अगर कैटलॉग चाहिए तो कैटलॉग भी मिल जाएगा आपको, कैटलॉग भी बता दिया है मैंने आपको, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सर्च करिए, और मैं आपका इनका इंस्टाग्राम चैनल आपको मेरे साइड वाले राइट हैंड साइड पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, तो आप इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ़ोन पर बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ गाइज, लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी रहेगा तो 149 के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा भी आएगा। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप कोई भी भूसा या फिर सस्ता क्वालिटी में देखना चाह रहे हो तो इन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करिएगा। भाई क्या बना रहे हो आप? पलंग। पलंग पलंग बना रहे हो? कैसा पलंग बना रहे हो? ये क्या है? कप्सर बड़ी सर के पर, सर के साइड। अच्छा ये सर के साइड का है, मतलब थोड़ी कप्सर रखी है, साइडें रखी है, ये सब साइडें रखा हुआ है। कितना टाइम में बन जाएगा? अभी शाम तक तो मायका आएगा तो कल दोपहर तक हो जाएगा। इतना फास्ट? क्या बात है भाई, तुम इतने फास्ट कैसे बना लेते हो? ये जितने भी वर्कर हैं यहाँ पर सब एक्सपीरियंस है, राइट? हाँ। सब एकदम एक्सपीरियंस है, सब चैंप है और कई साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा। हम जो सर्विस कस्टमर को भी और जो हमारे साथ काम करता है उनको भी बेस्ट सर्विस देते हैं, उनकी सब फैसिलिटीज पूरी करते हैं, तो वो यहाँ से जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ वार्डरोब नहीं बनता है, सिर्फ एल साइज बेड नहीं बनता है, बेड नहीं बनता है, चेयर नहीं बनती है, यहाँ पर इनके पास इनके खुद के इंटीरियर डिज़ाइनर्स अवेलेबल है। तो आप अगर आपके इंटीरियर डिज़ाइनर्स इंटीरियर कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप इनके इंटीरियर डिज़ाइनर्स अवेलेबल मिल सकते हैं, या आपको वहाँ पर पूरा एक पेपर पे बना के देंगे, आपके डिपेंड आपके घर के स्क्वायर फीट के हिसाब से। फिर अगर आपको चाहिए आपके घर पर आके पूरा इंटीरियर डिज़ाइन कर देंगे, वो भी मिनिमल कॉस्ट में। मिनिमल कॉस्ट में डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर ये मैं जो वार्डरोब का प्राइस बता रहा था, क्योंकि अगर आप मरीन में देखेंगे, क्योंकि किचन अगर पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे तो आपके उसमें किचन भी आ जाएगा, बेड भी आ जाएगा, कुछ बेड बनेंगे आपको मरीन में चाहिए रहेगा या फिर अल्टरनेट में चाहिए रहेगा, तो प्राइस डिफरेंशिएट होता रहेगा। तो प्राइस का तो आपको कोई भी डिफरेंट नहीं मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास भेजिएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन जेन्युइन कस्टमर। तो गाइस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन अश्मिता ब्लॉग्स, बाय।